लखीसराय जिला से सूरज कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के टेम्पू टोटो चालकों ने मनमाना बैरियर वसूली को लेकर अधिकारी को दिया आवेदन, मांगा अपना खुद का स्टैंड। लखीसराय में शनिवार को टेम्पू तथा टोटो के चालकों ने अनुमंडल अधिकारी कार्यालय के बाहर अपना जमावड़ा खड़ा कर दिया। इसका मुख्य कारण चालकों से मनमाना बैरियर वसूली था। इन लोगों ने अधिकारी को आवेदन देकर कहा कि हमें अपना स्टैंड दे दे तो मैं बैरियर की रकम दूंगा, अन्यथा चालक हड़ताल कर देंगे। बताते चले कि इस कारण से कुछ चालक हड़ताल पर थे, जिससे विद्यापीठ चौक से स्टेशन तक आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लखीसराय जिला से सूरज कुमार की रिपोर्ट। टेम्पू के चालक या फिर टोटो के चालक और साथ में क्या परेशानी है? हम टेम्पू चालक हैं, हमारा परेशानी है स्टेशन के ऊपर जब चढ़ते हैं तो हमको 80 रुपया बेरियल मांगा जाता है और हम 60 रुपया उसको दे रहे थे और उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है और जबरदस्ती पैसा की छीन छान कर ले लेता है। बेरियल का दर क्या है? बेरियल का दर तो 25 रुपया होना चाहिए सर। लेकिन इसके बावजूद आपसे जो रकम की वसूली की जा रही है, इस पर आप लोगों ने अधिकारी से बात की है? जी, उसी का घेराव में तो आए हैं यहाँ सर। आप लोग किनका घेराव कर रहे हैं? एसडीओ साहब का कर रहे हैं सर। इसके लिए आप लोगों ने आवेदन बढ़ाया है? जी, आवेदन दे दिए हैं। ये बताइए, आप टेम्पू चालक हैं या फिर टोटो चालक और आपके साथ में क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर, नीचे में हम लोग चलाते हैं, नीचे का बैरियर देना नहीं चाहते हैं, फिर भी लेकिन अवैध वसूली कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मार खाते हैं, नहीं हम लोग का स्टैंड देते हैं, या हम देंगे बैरियर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग के लिए स्टैंड बना दे, हम देने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप लोगों का जो खर्च लिया जाता है वो कितना है? अभी 20 रुपया है। आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? आगे की कार्रवाई है, अगर स्टैंड बना के देते हैं तो हम देंगे बैरियर, वरना नहीं देंगे। नीचे चलेंगे हम मार खाएंगे पुलिस से या गाली सुनेंगे तो हम बैरियर नहीं देंगे, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। आपका शुभ नाम? जी, रतन कुमार। या टेम्पू और टोटो वाली की जो लड़ाई चल रही है, आखिर लड़ाई का कारण क्या है? टेम्पू और पार्किंग वाले की लड़ाई है, टेम्पू टोटो की लड़ाई नहीं है। तो 4 दिन पहले जो रेट था उससे बढ़ाकर रेट लेने लगा स्टैंड वाला, जिसके कारण कि टेम्पू और टोटो वाला स्ट्राइक पे चला गया और आज 4 दिनों से स्ट्राइक पर था। और फिर हमने फोन किया स्टैंड वाले को तो उन्होंने रिसीव नहीं किया, जिसके कारण प्रशासनिक मदद के लिए हमने अनुमंडल पदाधिकारी लखीसराय से गुहार लगाया और आज उसकी बैठक थी और बैठक में यह तय हुआ कि जब तक नया वित्तीय वर्ष नहीं आ जाता है, मतलब कि 1 अप्रैल से नया रेट चालू होगा और नया रेट के लिए पहले जिला में बैठक हो जाएगी, जिसमें रेलवे के पदाधिकारी होंगे, DTO होंगे, MBI होंगे, SDO साहब होंगे और संघ टेम्पू संघ के होंगे और संवेदक होंगे, और सभी के सहमति से जो रेट तय होगा उसके बाद ये न्यूज में जाएगा, उसके बाद ही रेट बढ़ाया जाएगा, इसके पहले रेट नहीं बढ़ा सकते।